हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ भिलाई के स्मृति नगर एरिया का एक और कैफे, कैफे बोल लो या फिर एक मिनी रेस्टोरेंट या तो फिर रूफटॉप कैफे बोल लो उसको। और वहाँ पर मिलने वाला ना आइटम शायद वेज और नॉन वेज दोनों की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे अपने पास में, पर देखते हैं कि वहाँ का जो टेस्ट है और जो भी एम्बियंस है वहाँ का वो कैसे प्रोवाइड होता है अपने को। और उस कैफ़े को खुले हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पहले भी था कि इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, था कि नहीं। और अभी देखते जाके कि कैसा है पूरा अंदर का इंटीरियर। और इस बार भिलाई का ब्लॉग है और रायपुर के ब्लॉग में आप लोगों ने उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया भाई, तो सपोर्ट दिखाओ रायपुर के ब्लॉग में भी। और एक और बात बोलना था आप लोगों से, आप लोगों का सपोर्ट और बस आप लोगों के साथ मिलकर अपना 101 वीडियो है आज का ना, एट प्रेजेंट जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 101 रहेगा और 100 वीडियो हम लोगों ने अपने चैनल पे कंप्लीट कर लिया है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बस ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बस आप लोग अगर सपोर्ट करते रहोगे ना, तो ऐसे करके ना 100 नहीं 1000 वीडियो अपन पहुँच जाएंगे। और बस चलते हैं वीडियो लोकेशन में और बाकी बाद में वीडियो लोकेशन में पहुँच के ही करता हूँ आप लोगों से। आज ही तो मैं पहुंच गया हूं अपने आज के वीडियो लोकेशन। वीडियो लोकेशन का जो नाम है वो है अपना ब्रेथ एंड बिंज कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। और इसकी एड्रेस की बात करूं तो ये आप लोगों को पड़ता है स्मृति नगर के पुष्पक नगर वाले रोड में, जगदम्बा स्नैक्स एंड डेयरी के जस्ट बाजू में ही पड़ता है अपने को ब्रेथ एंड बिंज कैफ़े रेस्टोरेंट। और इस कैफेटेरिया की खास बात यह है कि यहाँ पर वेज और नॉन वेज ढेर सारी वेराइटी अपने को अवेलेबल है, साथ में शेक और मॉकटेल्स की भी फैसिलिटी है, मैंने स्टार्टर से लेके मेन कोर्स तक सारे आइटम आप लोगों को मिल जाएगा। तो अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। प्लस यहाँ का ना रूफटॉप कैफे भी बहुत मज़ेदार है, उससे पहले दिखाता हूँ कि आप लोगों को बाहर से ब्रेथ एंड बिंज कैसे दिखता है और ये कौन से रूट में पड़ता है, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि एड्रेस अच्छे से नहीं बताते। तो आप लोग देख सकते हैं ये है स्मृति नगर रोड, पुष्पक नगर रोड से नाम से भी जाना जाता है इसको। और बाजू में ही है अपना जगदम्बा डेयरी एंड स्नैक्स, सामने भीड़ भी लगा है आप लोग देख सकते हैं। और ये पड़ता है अपने को ब्रेथ एंड बिंज कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। आप लोग ऊपर देख सकते हैं इनका लाइटिंग वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर रूफटॉप की भी फैसिलिटी मिलेगी, अभी आप लोगों को चल के दिखा दूंगा मैं। और उससे पहले यहाँ पर जो अंदर का स्पेस है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं एक अच्छा सा गार्डन स्पेस टाइप का यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ का रूफटॉप कैफे ऊपर है वो आप लोगों को दिखा दूंगा, उससे पहले मैं अंदर चलते हैं यहाँ पे। आज ही तो मैं बैठ चुका हूँ ब्रेथ एंड ब्रिंज रेस्टोरेंट के अंदर। और रेस्टोरेंट की सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ ना, यहाँ पे आप लोगों को सीटिंग कैपेसिटी 30 से 32 लोगों का मिल जाता है। और इसके ऊपर जो रूफटॉप कैफे है ना इनका, वहाँ पे 50 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, पर अभी समर सीजन में सीटिंग कैपेसिटी वो भी रूफटॉप में उतना ज़्यादा आप लोग इन्जॉय नहीं करोगे, नाइट में अच्छा रहेगा लाइटिंग वाइटिंग। और साथ में जो अंदर का जो स्पेस है ना, यहाँ पर एयर कंडीशनिंग अपने को रेस्टोरेंट या कैफ़े बोल लो। और यहाँ के मेन्यू में बहुत सारी वेराइटी है, अभी मैं यहाँ का जो ऑर्डर किया हूँ यहाँ पर जो है वेज हक्का नूडल्स है चिकन में, और मतलब नॉन वेज में, और साथ में यहाँ पे जो बिरयानी है इनका चिकन दम बिरयानी, बिरयानी का है बहुत दिन हो गया था, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और बाकी टेस्ट वाइज कैसा रहेगा ब्रेथ एंड बिंज का वो आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग मेरे से पहले अगर विजिट कर चुके हो यहाँ पे तो आप लोग अपना कमेंट बताओ मेरे को कि आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ का फूड टेस्ट। बाकी मैं तो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को फूड टेस्ट करके बताऊंगा यहाँ का। बाकी मेरे को यहाँ पे ना सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा लगा यहाँ का, और जो बाहर के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर ना बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखा गया है, तो यहाँ पर जो आप लोगों को खाने में ना मस्त
इंजॉय करके आप लोग खा सकते हैं। और दोस्तों के साथ कभी भी अगर आना है बर्थडे पार्टी के लिए बुकिंग करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो कॉम्बो है ना, वेज कॉम्बो आप लोगों को 199 रुपीस पड़ता है। उसमें आप लोगों को हर चीज़ का वेरिएंट है। और ये चीज़ मैं मेन्यू में इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि ये इनके पास में मेन्यू में उपलब्ध नहीं है। ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है, इनका स्पेशल ऑफर है यहाँ का, ब्रेथ एंड ब्रिंज नाम का कैफे रेस्टोरेंट बोल सकते हो इसको। इनका रूफ टॉप भी है ऊपर, तो ये सब जो है वेज का है। अब आपको मैं इनका नॉन वेज का, ये आप लोग देख सकते हैं इनका नॉनवेज का है 249 रुपीस का है, मतलब अप्रॉक्स 250 रुपीस पड़ रहा है ये। और यहाँ पे इसका भी कॉम्बो है अपने पास में, तो आप लोग देख सकते हैं अगर ये आप लोगों को रिजनेबल रखता है। और साथ में यहाँ पे चिकन दम बिरयानी का भी ऑप्शन है जो कि ओनली 130 रुपए का है। अभी देखते हैं कि मैं यहाँ क्या करवाता हूँ। और बाकी कॉम्बो आप लोगों को दिखाना था, यहाँ का कॉम्बो ही फेमस है ऐसा बताया गया मेरे को, तो आप लोग ये देख चुके हो कॉम्बो। अब आप लोगों को यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्रिथ एंड ब्रिंज नाम का कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का मेन्यू है। मेन्यू में इनके पास में कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इंडियन, तंदूर, मने स्टार्टर से लेके गए, अब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मेन कोर्स तक सारे ही आइटम अवेलेबल है। तो इस टाइप का कैफेटेरिया ज़रूर होना चाहिए। इंटीरियर तो यहाँ का अच्छा है ही जो मैं आप लोगों को दिखाया, और साथ में ना एयर कंडीशन अपने को यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी मिलती है या फिर डाइन इन बोल लो, और बहुत ही बढ़िया है। मतलब नीचे भी है सिटिंग कैपेसिटी और ठंडी के समय के लिए अपने को जो चाहिए रहता है ना ऊपर, वो भी सिटिंग कैपेसिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी यहाँ के मेन्यू में आप लोग देख सकते हैं सूप, नॉन वेज सूप से लेके आप लोगों को वेज आइटम भी अवेलेबल कराया जाता है। कॉन्टिनेंटल, इंडियन, चाइनीज़ सभी चीज़ की फैसिलिटी है। प्राइस आप लोग देख सकते हैं, 2 साल से ये यहाँ पर खुला हुआ है भिलाई स्मृति नगर एरिया में। और इनके पास में तंदूर की भी ऑप्शन है। चलिए कुछ लगवाता हूँ यहाँ का मेन्यू में और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का टेस्ट, और बताता हूँ क्या है खास यहाँ का। आज ही तो ब्रेथ एंड बिंज कैफ़े का या रेस्टोरेंट बोल लो इसको, यहाँ पे मैं लिया हूँ यहाँ का चिकन हक्का नूडल्स और साथ में यहाँ का बिरयानी। तो क्या है ना, स्टार्टर और बिरयानी दोनों का टेस्ट हो जाएगा। आज नॉनवेज करते हैं, कभी वेज के लिए फिर से आऊँगा। और वेज में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे आइटम हैं और नॉनवेज में भी उतने ही आइटम अवेलेबल है अपने को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका वेज हक्का नूडल है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, और इसमें चिकन के पीस भी अच्छा खासा बड़ा बड़ा डाला गया है। और अगर चिकन का पीस टेस्ट करके बताता हूँ कि जो मैरिनेशन है ना वो किसका प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। अगर चिकन के पीस की बात करूँ ना, एक हल्का अंडे में मैरिनेट हुआ है ऐसा करके अलग से टेस्ट आ रहा है। कभी आपने अगर ऑमलेट खाया होगा ना तो उसमें जो ऊपर का कोटिंग होता है ना, या फिर बोल लो जो एग वाइट होता है जब वो फ्राई हो जाता है अच्छे तरीके से, एक उस टाइप का फ्लेवर आ रहा है। तो उससे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चिकन हक्का नूडल जो यहाँ का है ना वो किस तरीके के टेस्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। और भाई टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया है। और यहाँ का बिरयानी टेस्ट करके देखते हैं कि बिरयानी का क्या खासियत है। आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ का ये है चिकन बिरयानी, और चिकन दम बिरयानी है ये जो अपना नॉर्मल चलता है, और बहुत अच्छे तरीके से दम दिया गया है। चावल भी जो यूज़ किया गया है ना वो बासमती है, और चिकन के पीस भी बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने दम देके जो पकाया गया है ना चिकन को, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पकाया गया है। टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट कैसा प्रोवाइड करते हैं यहाँ का बिरयानी। ऑथेंटिक, मतलब चिकन दम बिरयानी टाइप का लग रहा है। और टेस्ट वाइज बताऊँ, क्या ही बताऊँ भाई आप लोगों को, बहुत ही अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। एक अलग से ना स्मेल भी आ रहा है बिरयानी का, और चिकन के पीस भी अच्छा खासा पके हुए हैं। बहुत दिन से देखता था ब्रेथ एंड बिंज कैफ़े को, पर यहाँ पे विजिट कभी भी नहीं किया, और अभी आया हूँ विजिट करके देखा हूँ, यहाँ का फूड टेस्ट लिया हूँ, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ यहाँ पे जो मॉकटेल है या फिर जो भी आइटम है ना वेज और नॉन वेज में, वो सारे ही चीज़ों का टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया होगा। और साथ में यहाँ पे बिरयानी के साथ में जो रसम दिया गया है उसको टेस्ट करके देखते हैं। ये रहा यहाँ का रसम। रसम के टेस्ट की बात करूँ तो रसम बहुत बढ़िया है, और साथ में जो दही या फिर दही टाइप का कुछ दिया जाता है उसको टेस्ट करके देखते हैं बिरयानी के साथ में। दही उतना मज़ेदार नहीं लग रहा, रसम बहुत बढ़िया है। रसम आप लोग दोबारा मांगोगे यहाँ पर आके, रसम का टेस्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। और साथ में यहाँ पे सलाद दिया गया है। और यहाँ के चिकन दम बिरयानी हाफ की प्राइस की बात करूँ ना तो हाफ चिकन दम बिरयानी यहाँ पे आप लोगों को 130 रुपीज़ पड़ता है। इसमें 2 पीस दिया जाता है चिकन के। और जो यहाँ पे जो हक्का नूडल है इनका चिकन हक्का नूडल, उसकी प्राइस की बात करूँ तो आप लोगों को वो पड़ता है 149 रुपीज़ का। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो थोड़ा सा महंगा है,
पर जो यहाँ पे जो एम्बियंस है और यहाँ का जो फैसिलिटी है ना, उस हिसाब से ये जो ब्रेथ एंड बीन्स कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोगों को गर्मी के मौसम में अच्छा मतलब ठंडा रेस्टोरेंट चाहिए तो यही मिलेगा ब्रेथ एंड बीन्स कैफ़े में, और बहुत ही अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसका जैसा टेस्ट मैं ना बहुत सारे कैफ़े में देखा हूँ, पर टेस्ट जो है ना यहाँ का मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इनका रूफटॉप कैफ़े भी है जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया, तो शाम के समय आते हो ना तो एक अच्छी खासी लाइटिंग मिलेगी और अच्छा खासा वाइब मिलेगा आप लोगों को एंजॉय करने के लिए, और दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हो। टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, सही से बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी ये सब ख़त्म करता हूँ और बाहर मिलता हूँ आप लोगों से। रही बात ब्रेथ एंड बीन्स कैफ़े एंड रेस्टोरेंट की, तो वहाँ का जो फूड टेस्ट है इतना मज़ेदार था कि मैं वहाँ का ना फूड टेस्ट करने में ही रह गया और वीडियो एंड करना भूल गया। पर अभी वीडियो एंड कर लेते हैं और साथ में आप लोगों को वहाँ का टेस्ट बताऊँ ना भाई। वहाँ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, प्राइस वाइज थोड़ा सा हाई है पर चलता है। अगर टेस्ट अच्छा रहेगा ना तो प्राइस कितना भी हाई कर लो, क्योंकि अभी महंगाई का ज़माना है, उसमें समझ सकते हैं। और फूड टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, बिरयानी भी एक लेवल का था, और लग रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा कैफ़े खुल गया भिलाई में, या फिर 2 साल से खुला हुआ है, मैं अभी विजिट कर रहा हूँ। आप लोग उससे पहले बहुत बार गए होंगे। ठंडी के समय के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि उनका रूफटॉप कैफ़े है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को देखने में। बाकी चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे लोकेशन के साथ में। आज का वीडियो बंद करते हैं भाई, आप लोग सपोर्ट करो और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। चलिए।